हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की जो में हर तरह के क्वेश्चंस होंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को फ्रेंड्स इसमें आपको जो बाहर जो वैल्यूज दिख रही हैं ये नाइन इलेवन ट्वेंटी थ्री एंड सिक्स आपको क्या करना है इन वैल्यू को ऐड करना है जब इन वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा फोर्टी नाइन सेम उसी तरह से फ्रेंड्स आपको क्या करना है आपको सेवन ट्वेल्व एट एंड थ्री थर्टीन इन चारों वैल्यू को ऐड करना है और आपको मिलेगा जो वैल्यू वो है फोर्टी तो यानी कि ये वाली सीरीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसी तरह से आपको क्या करना है सिक्सटीन नाइन ट्वेंटी सिक्स एंड एट इन चारों वैल्यू को ऐड करेंगे और इनको ऐड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी फिफ्टी नाइन तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी में हमें फिफ्टी नाइन गिविन है तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी फिफ्टी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगेन हमें इसी तरह का दे रखा है तो कोशिश करेंगे हम कि द्वारा से हम यही मेथड देखें क्योंकि हो सकता है कि इसमें भी वही मेथड फॉलो किया गया हो तो हम ऐड करेंगे 11 में 44, 44, 33 एंड 22 इन चारों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी वन हंड्रेड यानी कि ये वाली हमारा मेथड बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड में और चेक कर लेते हैं फिफ्टीन फोर्टी थर्टी थ्री एंड ट्वेंटी फोर इन चारों वैल्यू को ऐड करने पर हमें वैल्यू मिलेगी वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व से आप यहाँ पर चेक कीजिए फ्रेंड्स। पर जो हमें वैल्यू मिल रही है हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे ट्वेल्व थर्टी फोर एंड ट्वेंटी थ्री आपको इन तीन वैल्यू को काउंट करना है इन तीन वैल्यू को काउंट करने के बाद आप ये जो वन हंड्रेड एंड फोर्टीन है वैल्यू है इसमें आप माइनस कीजिए ट्वेल्व थर्टी फोर एंड ट्वेंटी थ्री आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी सिक्सटी नाइन जबकि आपको क्या चाहिए वन हंड्रेड एंड फोर्टी तो आपको क्या माइनस uh, करना होगा सिक्सटी नाइन में जब आप माइनस करेंगे वन हंड्रेड एंड फोर्टी को माइनस करेंगे सिक्सटी नाइन में तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी फोर्टी फाइव तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमें ऑप्शन बी में गिवन है वैल्यू फोर्टी फाइव ये हमारा यहाँ पे राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं स्क्रीन छोटी कर रही हूँ आई होप आपको अभी क्लियर हो रहा होगा टू फोर एंड ट्वेंटी इस तरह से ये वैल्यूज हमें गिवन है वाई के फॉर्म में अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड यहाँ यूज किया गया है तो फ्रेंड्स चेक कीजिए ये टू का स्क्वायर uh, कितना होता है फोर एंड फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी तो देखिए यहाँ पे ट्वेंटी आ गया थ्री का स्क्वायर uh, कितना होता है थ्री का यहाँ पे स्क्वायर होता है हमारा नाइन एंड नाइन का स्क्वायर कितना होता है एट्टी वन अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नाइन्टी सेम उसी तरह से सेवन का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा फोर्टी नाइन वन का स्क्वायर वन ही रहता है तो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टी तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर हमें ये वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स यहाँ पर ये यहाँ पर अलग अलग वैल्यू हैं आप देखिए इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ा गया है लेकिन ये वैल्यू ये वैल्यू इस तरह से किविन है तो आपको देखना है थ्री सिक्स फोर एट ट्वेंटी एट सेवन सेवन क्वेश्चन मार्क एंड सिक्स ये पेयर है इनके तो फ्रेंड चेक कीजिए आप थ्री को पहले मल्टीप्लाई कीजिए फोर्थ से थ्री को आप मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ से तो कितना निकल कर आएगा आपका ट्वेल्व और ट्वेल्व को जब आप डिवाइड करेंगे टू से तो आपका निकल कर आएगा ये सिक्स सेम उसी तरह से आप क्या करेंगे एट को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से एट को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन से तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा फिफ्टी सिक्स और जब आप इसको टू से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर ट्वेंटी एट जो कि गिवन है अब आप क्या करेंगे सेवन को सिक्स से मल्टीप्लाई करें आप मल्टीप्लाई करेंगे सेवन इंटू सिक्स और जो भी आपका प्रोडक्ट निकल कर आएगा आप उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो आपको डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा आपका ट्वेंटी वन तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट right आंसर है ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगेन ये उसी तरह का क्वेश्चन है अभी जो हमने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आप थर्टीन को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो आपका आंसर निकल कर आएगा 2, 2, वहीं आप अगर ट्वेल्व को नाइनटीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा टू टू एट और आप थर्टीन को आप एटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर तो देखिए ऑप्शन बी में आपको आंसर गिवन है टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर तो आपका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर तो आई होप आपको ये क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये डिजिट दे रखी हैं सेवन थर्टी सिक्स ट्वेंटी सेवन टू तो सबसे पहले हम बाहर की डिजिट को ले लेते हैं क्योंकि मोस्टली यही होता है बाहर की जो डिजिट्स होती हैं उनका माइनस स्क्वायर क्यूब करें तो हमारा बीच का प्रोडक्ट जो है वो निकल कर आ जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बीच में हमें वैल्यू ज़्यादा बड़ी गिविन नहीं है तो हो सकता है ये प्लस या माइनस में ही हो तो हम क्या करेंगे सेवन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स टू ट्वेंटी सेवन टू एंड ट्वेंटी सेवन टू यानी कि इन चारों को आपस में हम ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा सेवेंटी टू सेम उसी तरह से फोर सेवेंटी नाइन सिक्सटी नाइन इन चारों वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा वन फिफ्टी टू अब हमें क्या करना है नाइन 95, 15 4, इन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है इन तीनों वैल्यू को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 95, फाइव फिफ्टीन एंड फोर का वो हमारा आंसर यहाँ पर होगा वन हंड्रेड एंड फोर्टीन अब फ्रेंड्स वन हंड्रेड एंड फोर्टीन हमारा आंसर है लेकिन यहाँ पे कितना गिवन तो वन ट्वेंटी थ्री में जब हम वन हंड्रेड एंड फोर्टीन को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा नाइन तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे नाइन गिवन है तो हमारा जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब यहाँ पर हमें डिजिट्स दे रखी हैं हमें देखना है कि इसमें क्या है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे साफ पता पड़ रहा है टू से मल्टीप्लाई किया थ्री का तो यहाँ पर आ गया सिक्स सेवन से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व का तो आ गया एटी फोर अब नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन में तो हमारा क्या आएगा यानी कि जब हम 15 का नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आना चाहिए आंसर वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फोर नाइन एंड सिक्स तो फ्रेंड्स देखिए फोर किसका स्क्वायर है टू का स्क्वायर है नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का स्क्वायर है और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा सिक्स अगेन हम यहाँ देखते हैं नाइन यहाँ किसका स्क्वायर है थ्री का फोर किसका स्क्वायर है वो सिक्सटीन स्क्वायर है फोर का इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा ट्वेल्व सिक्सटीन किसका स्क्वायर है फोर का और यहाँ पर हमें चाहिए ट्वेंटी तो फ्रेंड्स सिक्सटीन अगर फोर का स्क्वायर है तो हमें ऐसी कौन सी वैल्यू लानी होगी जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वेंटी आए तो आप सीधे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि फोर के टेबल में हमारा जो ट्वेंटी है वो कितने टाइम आता है फाइव टाइम आता है तो यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए ट्वेंटी फाइव जिससे कि अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर क्या होगा किसका स्क्वायर होता है फाइव का तो फोर और फाइव को आप आपस आप में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी तो यानी क्लियर तो right होगा, होगा, होंगे आपको सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में देखना होगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके थ्रू हम यहाँ पर ये नंबर ला सकते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना होगा ए प्लस बी ए प्लस बी कितना होता है देखिए ए प्लस बी ए के नीचे वन आता है, B किस, कितने प्लेस पर आता है टू प्लेस पर और जब आप ए प्लस बी कर दोगे तो कितना आ जाएगा थ्री और थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन देखिए आ गया वही सी है सी का प्लेस नंबर क्या होता है थ्री और डी का प्लेस नंबर क्या होता है फोर थ्री और फोर कितना हो गया यहाँ पर सेवन और सेवन का स्क्वायर कितना होता है पे आई होप क्लियर हो रही सारी चीजें आपको अब आपको बताना है ई का प्लेस नंबर क्या है तो फ्रेंड्स ई e का प्लेस नंबर होता है फाइव और यहाँ पे एफ गिवन है तो एफ का प्लेस नंबर होता है सिक्स तो बताइए फ्रेंड्स ये कितना आंसर हुआ तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा इलेवन ठीक है 11 आ गया हम 11 का कर देते हैं तो तो हमारा 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 क्या आएगा हमारा राइट आएगा तो है है वो है सी, 121. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है क्योंकि आ, उन क्वेश्चंस में जब तक हमारा वो आंसर नहीं निकल रहा है तब तक हमें डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन जब आ जाता है तो मैं लगता है ओ शिट ये तो बहुत ही सिंपल था इसमें ये वाली ट्रिक थी तो बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप आ जाएगा अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है यहाँ पर ये आपको सिर्फ अल्फाबेट गिवन है किसी भी तरह की नंबर नहीं दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है इस तरह से आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में सीरीज लिखनी है मैं आपको एक बार बता देती हूं लेकिन मैं रफ कर दूंगी क्योंकि हर चीज अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वो स्क्रीन पर नहीं शो हो पाएगी आप उसी तरह से अपनी नोटबुक में लिखिएगा देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से है यहाँ पे स्टार्टिंग बी से है एंड जो एंड है वो जे से है तो आप उसी तरह से लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच अब मैं नीचे लिख देती हूँ लेकिन आप सीध में लिखिएगा आई जे ठीक है एच आई जे अब आप देखिए फ्रेंड्स बी और सी दे रखा है बी एंड सी और लास्ट सेकंड में क्या दे रखा है e, ई एफ यानी कि e, ई एफ बीच में इन्होंने कितना अल्फाबेट uh, मिस किया वन अल्फ़ाबेट याद रखिए बीच में वन अल्फाबेट मिस किया है. लास्ट में क्या दे रखा है आई जे यानी कि ये वाला आई जे यहाँ इन्होंने कितना अल्फाबेट मिस किया है दो यानी कि कौन सी सीरीज चल रही है एक बार वन अल्फाबेट छोड़ेंगे दूसरी जे आप इस तरह से जे से लेके आर तक लिख लीजिए अब आप देखिए जे के बाद के आता है ठीक है और के के बाद क्या आता है एल लेकिन इन्होंने एल वन अल्फाबेट छोड़ना इन्होंने छोड़ दिया उसके बाद इन्होंने लिया है एम एन एम एन के बाद क्या आता है ओ पी इन्होंने उस अल्फाबेट को छोड़कर के बाद क्या आता है क्यू आर इन्होंने क्यू आर ले लिया अब उसी तरह से अब मैं इसको पूरा आपको बता देती हूँ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड अब आप देखिए फ्रेंड्स आर एस इन्होंने लिया है बीच में एक अल्फाबेट छोड़ा है फिर उन्होंने यू लिया है उसके बाद दो अल्फाबेट छोड़े हैं तो आप कितना अब आना चाहिए वाई जेड तो ऑप्शन बी फोर हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वाई एंड जेड अगेन मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स बी नहीं है क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग आपको आंसर करते हैं तो गलती से कुछ ऑप्शन रिपीट हो जाता है या फिर गलत बोल दिया जाता है तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं मैं बार बार बोल रही हूँ ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे राइट right है क्योंकि आप देख सकते हैं वाई जेड यहाँ पर आएगा हमें दो नंबर यहाँ पे रिप्लेस करने हैं उसके बाद तो ऑप्शन नंबर डी जो कि है हमारा वाई जेड हमारा राइट आंसर है तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आई होप आपको आज के पसंद आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और वे अच्छी के साथ तब तक के लिए बाय बाय